सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी पाठ संख्या 8 उठो धरा के अमर सपूतों लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये पाठ आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। प्रश्न 1, कवि किसे पुनः नया निर्माण करने के लिए कहता है। उत्तर, कवि अमर सपूतों को नया निर्माण के लिए कहता है। कवि किसे पुनः नया निर्माण करने के लिए कहता है? उत्तर, कवि अमर सपूतों को पुनः नया निर्माण करने के लिए कहता है। प्रश्न 2, कवि जन जन के जीवन के जीवन ने क्या भरना चाहता है? उत्तर, कवि जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति स्फूर्ति नव प्राण भरना चाहता है। प्रश्न 2, कवि जन जन के जीवन में क्या भरना चाहता है? उत्तर, कवि जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति नव प्राण भरना चाहता है। प्रश्न 3, कवि
ज्ञान के सौ सौ दीपक जलाकर क्या करना चाहता है? कवि ज्ञान के सौ सौ दीपक जलाकर क्या करना चाहता है? उत्तर कवि ज्ञान के सौ सौ दीपक जलाकर ज्ञान के नवयुग का आह्वान करना चाहता है। प्रश्न थ्री, कवि ज्ञान के सौ सौ दीपक जलाकर क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि ज्ञान के सौ सौ दीपक जलाकर ज्ञान के नवयुग का आह्वान करना चाहता है। प्रश्न फोर, कवि ने बालकों को किस मंदिर का रक्षक और पुजारी कहा है? उत्तर, कवि ने बालकों को सरस्वती
सरस्वती पावन मंदिर का रक्षक और पुजारी कहाँ है? प्रश्न 4, कवि ने बालकों को किस मंदिर का रक्षक और पुजारी कहा है? उत्तर, कवि ने बालकों को सरस्वती पावन मंदिर का रक्षक और पुजारी कहा है? शब्दार्थ, नंबर 1, धरा, धरा, धरती, नंबर 2, नूतन, नया, नंबर 3, ज्योति, ज्योति, प्रकाश, नंबर 4, आह्वान, पुकार, नंबर 5, उमंग, उल्लास, नंबर 6, प्राण, जीवन शक्ति, नंबर 1, धरा, धरा मीन्स होता है धरती, नूतन, नूतन का नया, नूतन मीन्स नया, ज्योति, ज्योति मिस होता है प्रकाश, आह्वान, आह्वान मिस होता है पुकार, उमंग, उमंग मिस होता है उल्लास, प्राण, प्राण मिस होता है जीवन शक्ति। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है शब्दार्थ एवं प्रश्न उत्तर। अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें और उसे याद करें। थैंक यू।